बहुत समय पहले की बात है, एक ऋषि नदी के किनारे बने अपने आश्रम में रहते थे। उनके आश्रम के चारों तरफ बहुत घना जंगल था। जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। अक्सर जानवर नदी पर पानी पीने के लिए आते थे। ऋषि का उन जानवरों से बहुत लगाव था। वो दिन भर पूजा पाठ और ध्यान में मगन रहते थे। जो थोड़ा बहुत समय बचता उसमें वो अपने आश्रम में लगे पेड़ पौधों और आसपास रहने वाले जानवरों की देखभाल करते थे। एक दिन जब वो अपने पौधों को पानी दे रहे थे, तभी उन्हें लगा कि दूर कहीं घोड़ों की टाप सुनाई दे रही है। थोड़ी देर में उनकी प्रतीक्षा खत्म हुई और घोड़े पर से राजसी वस्त्रों में सुसज्जित एक राजकुमार उतरे। उनके कमर में तलवार थी और हाथ में वीर धनुष था। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया। मुनिवर, मैं मधुपुर का राजकुमार रतन सिंह हूँ। मैं शिकार करने निकला था। बहुत देर से जंगल में भटक रहा हूँ। बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं? मैं बहुत थक गया हूँ। थोड़ी देर आपके आश्रम में थोड़ा विश्राम कर सकता हूँ? अवश्य, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। ऋषि ने बड़े प्यार से उनको बिठाया और खाने पीने का सामान लाकर रख दिया। राजकुमार ने थोड़ा बहुत खाया। अचानक उनकी नजर वहाँ पेड़ पौधों के बीच में कुलाचे मारती एक हिरनी पर पड़ी। हिरनी को देखते ही राजकुमार का हाथ अपने तीर पर पहुंच गया। ऋषि ने उन्हें ऐसा करते देख लिया। यहाँ की सीमा में रहने वाले सारे जानवर साधारण नहीं हैं। वे अद्भुत गुणों से युक्त प्राणी हैं। अगर आप किसी एक को भी नुकसान पहुंचाएंगे तो सारे जानवर आपको घेर लेंगे और आप कभी इन जंगलों से वापस नहीं जा पाएंगे। राजकुमार का हाथ जहाँ था वहीं रुक गया। मुनिवर, ऐसा कैसे हो सकता है? आपके पास इस बात का कोई प्रमाण है क्या? चलिए मेरे साथ। ऋषि राजकुमार को लेकर एक पहाड़ी के ऊपर गए। आप स्वयं देख लीजिए, इस पहाड़ी के नीचे जितने भी लोग हैं सब आपकी ही तरह शिकार खेलने ही आए थे। अब यहीं भटक रहे हैं। सारे जानवर जब घेर लेते हैं तो डर से सबकी याददाश्त चली जाती है। ये तो वाकई बहुत ही अद्भुत बात है। वहां से ऋषि के मार्गदर्शन से वापस वो अपने महल आ गए। महल में आकर उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या पहेली है। एक महीने बाद राजकुमार फिर से सिपाहियों को लेकर शिकार खेलने जंगल में गए। बहुत भटकने के बाद जैसे ही वो आश्रम के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नदी के किनारे ऋषि बैठे हैं और उनके पास ही एक खूबसूरत सुंदरी बैठी है। उस दिन तो आश्रम में कोई भी न था, आज ये खूबसूरत सुंदरी कहाँ से आ गई? ये इनकी बेटी तो नहीं हो सकती। ऋषि को जैसे ही कुछ आहट लगी उन्होंने झट से कोई मंत्र पढ़ा और वो सुंदरी तुरंत खूबसूरत हिरनी में बदल गई। राजकुमार ये तो समझ गए कि ये ऋषि बहुत पहुँचे हुए हैं। उन्होंने जाकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। मुनिवर, मैं आपसे मिलने ही आया हूँ। ऋषि तुरंत उनके मन की बात समझ गए। आपको उस दिन मेरी बातें शायद समझ में नहीं आई थी। आप अगर आजमाना चाहते हैं तो आजमा कर देख लीजिए। नहीं मुनिवर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, पर अभी जो देखा उस बात से थोड़ा अचंभित जरूर हूँ। आपने सुंदरी को हिरनी बना दिया? ये कौन है? क्या यहाँ के सारे जानवर आपके वश में हैं? आपने ठीक समझा, ये सभी मेरे वश में हैं और मुझे अपने बच्चों की तरह ही प्रिय हैं। वो जो सुंदरी थी, क्या मैं उनसे विवाह कर सकता हूँ? आप स्वयं पूछ लीजिए। ऋषि के मंत्रोच्चारण करते ही वो सुंदरी प्रकट हो गई। राजकुमार मुक्त होकर उसकी तरफ देखते रहे। उन्होंने ऋषि की तरफ देखा। मुनिवर, आप आज्ञा दें। हाँ हाँ अवश्य। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। मेरा नाम रेवती है, मैं उसी से विवाह करूँगी जो मेरी सारी शर्तें मानेगा। राजकुमार अधीर हो उठे और बिना कुछ सुने ही, हाँ हाँ मुझे आपकी सारी शर्तें स्वीकार हैं। आज से आप किसी जानवर का शिकार नहीं करेंगे। मैं जब चाहे तब इस आश्रम में अकेली आ सकती हूँ। आपको मेरे लिए एक जंगल लगवाना होगा जहाँ तरह तरह के जानवर और पशु पक्षी होंगे। उस जंगल में कोई शिकारी नहीं आएगा। अगर इनमें से किसी भी चीज की अनदेखी हुई तो मैं तुरंत हिरनी बन जाऊंगी। बस इतनी सी बात? मुझे आपकी सारी शर्तें स्वीकार हैं। हाँ, जहाँ तक जंगल लगवाने की बात है, हमारे राज्य से थोड़ी दूर पर ही एक घना जंगल है, वो हमारी सीमा में ही आता है। अगर कभी कोई भूल से भी किसी जानवर का शिकार करेगा
तो उसका वही हाल होगा जो आपने पहाड़ी के नीचे देखा था। मैं अपने प्राणों की बलि देकर भी अपने दिए हुए वचन की रक्षा करूंगा। ऋषि ने प्रसन्नता पूर्वक उन दोनों का विवाह संपन्न करवा दिया। राजकुमार जब महल में अपनी पत्नी रेवती को लेकर आए तो राजा रानी बहुत खुश हुए। राजकुमार ने राजा को बताया कि किन शर्तों पर रेवती उससे विवाह करने के लिए राजी हुई है। शादी की बहुत बड़ी दावत रखी गई और उसमें आज से हमारे आसपास के राज्यों में कोई भी शिकार नहीं करेगा, वरना उसे कारागार में डाल दिया जाएगा। अभी उनके विवाह को कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक से एक दिन शोर मचा कि हुजूर, शिकारियों का एक बहुत बड़ा झुंड जंगल की ओर जाते देखा गया है। राजकुमार ने जैसे ही सुना वो अपने घोड़े पर बैठे और जंगल की तरफ भागे। घोड़े को दौड़ाते हुए जब तक वो शिकारियों के पास पहुंचते, तब तक एक शिकारी ने एक हिरन के ऊपर तीर चला दिया। राजकुमार फुर्ती से हिरन को बचाने के लिए खुद सामने कूद पड़े। वो तीर सीधा उनके सीने में लगा और वो गिर पड़े। शिकारी ने जैसे ही उन्हें देखा वो उनके नजदीक आए और तब अगर हिरन को तीर लग जाता तो तुम सब बर्बाद हो जाते, कभी अपने घर नहीं जा पाते, इन्हीं जंगलों में भटकते रहते। मुझे मधुपुर मेरे महल पहुंचा देना, मैं तुम्हें बचाने के लिए ही आया था। इतना कहकर वो बेहोश हो गए। उन्होंने आनन फानन में उनके अर्धचेतन शरीर को घोड़े पर लादा और महल की तरफ चल पड़े। जब तक वो महल पहुंचे, रानी रेवती हिरनी के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। वो राजकुमार रतन सिंह के पास आई। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। वो अपने आंसुओं से राजकुमार के सीने को भिगो रही थी। तभी सबने देखा कि राजकुमार की आंखें खुल गई। तुरंत आश्रम चलना होगा, वरना आप लोग मुझसे और रेवती से हाथ धो बैठेंगे। इतना कहकर वो मूर्छित हो गए। राजा ने एक संदूक तैयार करवाया और उसमें राजकुमार को लिटा दिया एवं हिरनी को पालकी में लेकर आश्रम पहुंच गए। ऋषि ने जब राजा को अपने पुत्र और हिरनी के साथ आते हुए देखा तो समझ गए कि कुछ अनर्थ हुआ है। राजा रानी तुरंत ऋषि के कदमों में गिर गए। मुनिवर, हमारा एक ही बेटा है और एक ही बहू है, आप कुछ भी करें मेरे रतन को और रेवती को पहले जैसा कर दें। ऋषि ने पहले राजकुमार की नब्ज टटोली, फिर राजन, रेवती तो अपने रूप में आ जाएगी पर राजकुमार को थोड़ा समय लगेगा, उनकी बिल्कुल सही आयु बताइए। 24 साल 5 महीने 16 दिन। आप लोग जाइए, कम से कम 24 दिन 16 घंटे का समय तो लगेगा ही। ऋषि ने मंत्रोच्चारण किया और रेवती अपने रूप में आ गई। बाबा, ये क्या हो गया है? राजकुमार ने अपने वचन खातिर अपनी जान की बाजी लगा दी। पुत्री, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। राजा रानी बड़ी मुश्किल से जाने को तैयार हुए और अपने राज्य की तरफ लौट गए। आसपास के सभी राज्यों में ये खबर आग की तरह फैल गई थी। सारे राज्यों के राजा मधुपुर आए। सबने मिलकर प्रतिज्ञा की कि अब वो कोई शिकार नहीं करेंगे। ऋषि के आश्रम में रेवती दिन रात रतन सिंह की देखभाल कर रही थी। तरह तरह की जड़ी बूटियां और लेप के सेवन से 25वें दिन राजकुमार ने अपनी आंखें खोल दी। अरे, मैं तो बहुत सोया। जैसा आप सोए वैसे सात घर दुश्मन भी न सोए। उन दोनों ने जाकर ऋषि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। बाबा, अब हमें जाना चाहिए। वो लोग घोड़े पर बैठे और महल वापस आ गए। उनके जीवन में खुशियां भर गई। मुझे ये तो पता था कि तुम जादुई हिरनी हो, पर ये नहीं पता था कि तुमसे विवाह करके मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा।